आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे गांव की हकीकत जहां पर जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं। यहां बदहाली का आलम यह है कि लोग इस गांव में जाना ही पसंद नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जहां एक और विकास की लहर दौड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें प्रशासन की पोल खोल रही है। ये एक ऐसा गाँव है जहां पर कई लोगों की जान सिर्फ इस वजह से चली गई क्यों उनको अस्पताल जाना ही नसीब नहीं हो पाया। इस गाँव के बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि हल्की बारिश भी गाँव के रास्ते को तालाब में तब्दील कर देती है। वहीं अगर कोई बीमार अस्पताल तक पहुंचता भी है तो उसके लिए गांव वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। या तो मरीज ट्रैक्टर पर सवार होकर मुख्य मार्ग तक ले जाया जाए या फिर खटिया पर मरीज को लेटाकर मुख्य मार्गों तक ले जाते हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को मानने को तो तैयार है कि जनपद में इस तरह के गाँव और मजरे मौजूद है, मगर इन पर विकास की लहर कब तक आएगी इस बारे में कोई सटीक जवाब नहीं मिल सका। बड़ा सवाल यह है कि इस गाँव के लोगों को कब ऐसा जीवन मिलेगा जब ये लोग नगर और कस्बों में आसानी से पहुंच पाएं, या भविष्य में भी ये लोग लगातार नेता और प्रशासन की अनदेखी का शिकार होते रहेंगे। मेरे संज्ञान में आया है कि एक ग्राम है अशरफपुर, जहां पे लिंक मार्ग तो है लेकिन एक मजरा है जो कनेक्टेड नहीं है, उसमें पुल की प्रॉब्लम है। उसको मैंने अभी खंड विकास अधिकारी को आदेशित किया है कि वो उसमें कंप्लीट रिपोर्ट बना के दें, और यदि किसी फंड से हम उसे कर पाएंगे जिला स्तर पर तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम डीएम सर के माध्यम से लेटर लिखवाएंगे और उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अगर कोई गाँव या मजरा कनेक्टेड ना हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और नॉर्मल डे टू डे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसको उस पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे। और एक मैं सभी ब्लॉक से रिपोर्ट भी लूँगी कि ऐसे कितने मजरे हैं जो कनेक्टेड नहीं हैं, और उसको प्रायोरिटी पे हम मनरेगा में या जीपीडीबी में उनके मार्गों को रखवाएं ताकि वो प्रायोरिटी पे वो काम हो जाए।